बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अमल नकवी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने यूनिट वन जो था हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स, उसके क्वेश्चन, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने शुरू की थी जो थी 1.1, और कल हमने किए थे 1.1 का क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू का एक पार्ट किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर टू को ही कंटिन्यू करेंगे जिसके हमारे पास तीन पार्ट बाकी हैं। तो आप हम स्टार्ट लेते हैं कि जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि एवेल्युएट द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द इंडिकेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कि हमारे पास, मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसा हमारे पास एक गिवन फंक्शन होगा, ठीक है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे गिवन फंक्शन क्या है जो क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट है, उसमें हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय टी माइनस 3, और हमें टी की कोई ना कोई वैल्यू बी दी जाएगी जो हम टी की जगह रिप्लेस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं, हमारे पास गिवन फंक्शन दिस है और हमारे पास जो इसके भी आगे से बी पार्ट के भी आगे से तीन पार्ट हमें दिए हुए हैं, एफ ऑफ 7.4, एफ ऑफ माइनस 3.7, एफ ऑफ 2, ठीक है। हम सबसे पहले f ऑफ 2 को लेते हैं। तो f ऑफ 2 को लेने के बाद आप देखिए कि अगर हम f ऑफ 2 और f ऑफ t को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसमें हम t की जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है, टी को हम टू से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए हम पुट करते हैं टी इज इक्वल टू टू गिवन फंक्शंस में। ये हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन है, इसमें हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ टी 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। ये हमारे पास हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय माइनस 1, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ टी 2 हमारे पास हो जाएगा माइनस 7। ये आपका एक पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम इसी का दूसरा पार्ट करते हैं जो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 7.4, ठीक है। हम लेते हैं एफ ऑफ 7.4 को लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, ये अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। तो एफ ऑफ 7.4 को भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या है, टी विच इज इक्वल टू टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय टी माइनस 3। तो हम टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, 7.4 से। हम करते हैं पुट टी इज इक्वल टू 7.4। तो 7.4 जब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 7.4 विच इज इक्वल टू 7.4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7.4 माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 4.5, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 7.5, हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 2.8। तो ये हमारे पास इसका आ गया है सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। इसी का हम अगर थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, एफ ऑफ माइनस 3.7। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसमें हम t की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, -3.7। तो हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस 5 डिवाइडेड बाय t माइनस 3। तो हम पुट कर देते हैं पुट 3t इज इक्वल टू -3.7, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ -3.7 विच इज इक्वल टू -3.7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -3.7 माइनस 3। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय -6.5 के, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -0.231 के। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर टू के सी पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का सी पार्ट है हमारे पास, गिवन फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ आर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर
प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय आर माइनस थ्री। और हमें वैल्यूज क्या गिवन है, वैल्यूज हमें गिवन है जी ऑफ टू, जी ऑफ थ्री एंड जी ऑफ थ्री बाय एट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेते हैं, सबसे पहले हम करेंगे जी ऑफ टू लेंगे, ठीक है। जी ऑफ टू को उसी तरह हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन लेंगे। गिवन फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ आर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय आर माइनस थ्री। तो हम क्या कर देंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे टू से, तो पुट आर इज इक्वल टू टू, ठीक है। ये आपको कैसे पता चला कि अगर हम जी ऑफ टू को जी ऑफ आर से कंपेरिजन इन दोनों का करें तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाती है, टू आ जाती है। तो हम टू पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ टू विच इज इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस थ्री। ये हो जाएगा फोर माइनस टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन। ये हो जाएगा टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन। ये हमारे पास हो जाएगा सिक्स प्लस टू एट डिवाइडेड बाय माइनस वन। और हमारे पास जी ऑफ टू का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एट। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का जो हमारे पास सी पार्ट था उसका, उसके तीन पार्ट में से फर्स्ट पार्ट हमने किया है। आगे हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। ओके, तो हम इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, जी ऑफ थ्री। ओके, जी ऑफ थ्री को भी हम उसी तरह करेंगे। गिवन फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ आर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय आर माइनस थ्री। तो हम रिप्लेस कर देंगे आर को थ्री से, तो हमारे पास होगा जी ऑफ थ्री विच इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस थ्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ थ्री इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय जीरो। ओके, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास जो होल वैल्यू हो जाएगी वो नाइन माइनस थ्री जो है सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय जीरो विच इज इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइड बाय जीरो। और हमारे पास जी ऑफ थ्री का आंसर क्या आ जाएगा, जी ऑफ जीरो। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका लेते हैं थर्ड पार्ट। तो हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, जी ऑफ थ्री बाय एट। हम करते हैं इसको गिवन फंक्शन में पुट करते हैं, तो हमारे पास गिवन फंक्शन में गिवन फंक्शन है जी ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय आर माइनस थ्री। रिप्लेस करेंगे पुट आर इज इक्वल टू थ्री बाय एट। ओके, जी ऑफ थ्री बाय एट हमारे पास आ जाएगा थ्री बाय एट का होल स्क्वायर माइनस थ्री बाय एट माइनस थ्री बाय एट प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री बाय एट माइनस थ्री। ओके, तो हमारे पास जी ऑफ थ्री बाय एट हमारे पास इक्वल हो जाएगा नाइन बाय सिक्सटी फोर हो जाएगा, इसका हम लोग स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, माइनस थ्री बाय एट प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस एट माइनस थ्री। मजीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 9 माइनस 24 ये 64 और 8 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो वो हमारे पास 64 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम 8 और 1 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास 3 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मजीद हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 21 बाय 8। ओके, आगे हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 21। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे एलसीएम के प्रोसेस से तो हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय माइनस 21 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप देख लें कि हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 64 होल डिवाइडेड बाय, इसको हम मैं ऐसे शो कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय माइनस 21 डिवाइडेड बाय 8।
तो अब हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 64 इनटू 8 बाय माइनस 21, ओके। तो 21 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर हो जाएगा 8 डिवाइडेड माइनस 64, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाय 8। ये हमारे पास आंसर है जी ऑफ 3 बाय 8 का, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर टी का 2 का जो डी पार्ट है वो हमारे पास है एफ ऑफ टी। अब आपको समझ आ गई होगी सारा प्रोसेस, क्योंकि मैं आपके सामने तीन क्वेश्चन जो हैं, तीन पार्ट जो हैं वो कर चुकी हूँ, तो ये चौथा पार्ट भी मुश्किल नहीं है, मैं कर लेती हूँ। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को स्टेप्स आए क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब डी पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस अंडर द रूट टी, ओके। ये हमारे पास है, तो इसका मैं ऐसा करती हूँ, डी के भी हमारे पास तीन पार्ट हैं, लेकिन मैं आपके सामने फर्स्ट पार्ट कर देती हूँ, तो बाकी आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो डी पार्ट हम लोग करते हैं इसका। डी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ 3.217, ओके। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं टी को इस वैल्यू से, गिवन फंक्शन में हम लोग पुट कर देते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, तो इसमें हम पुट करेंगे 3.217 को हमने टी से रिप्लेस कर दिया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा टी का, हमारे पास आ जाएगा 3.217 का होल स्क्वायर प्लस 3.217 माइनस अंडर द रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू होगी 3.217, ओके फ्रेंड्स। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। जब हम 3.217 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10.349089, ओके। जब हम इसको करेंगे तो आगे हम इसका मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, तो हमारे पास होगा 6.434 माइनस, हमारे पास अंडर रूट ओपन होगा तो 1.7936। इस सब वैल्यू को जब आप जो है कैलकुलेटर की मदद से, या जिस तरह भी आप करते हैं, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.687667। तो राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास हो जाएगा 35.69। तो ये आपका आंसर आ गया 3.217 का, ओके। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैथ्स एक फन है, इसलिए बहुत इजी हो के इसको आप करें, और आगे जो इसके दो पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई करें, ठीक है। आज का यही हमारा काम था, ये क्लियर हो गया है। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।